सामने आ रही है। आपको बता दें खाप पंचायतों ने ऐलान किया है, खासतौर पर राकेश टिकैत बीकेओ के, ये मतलब आपको बता दें बहुत बड़े प्रधान किसान हैं। और देखिए राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रेसिडेंट और सरकार से मिलने वाले हैं, यानी राष्ट्रपति से वो मिलकर पहलवानों के लिए समर्थन मांगते दिखाई देंगे और केंद्र सरकार से भी मिलने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें आज वो मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। मुजफ्फरनगर के एक गांव में खाप पंचायतों का आयोजन हुआ है। ये खाप पंचायतों ने मिलकर ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन से हम पहलवानों को और ज़्यादा समर्थन देने की कोशिश करेंगे। बीते दिन देखिए गंगा में मेडल बहाने की खबर सामने आई थी और कहा जा रहा है ये कुछ नहीं एक नाटक था पहलवानों का कि हम मेडल को बहा देंगे ताकि देश का जो ध्यान है वो केंद्र आकर्षित कर सके। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ राकेश टिकैत पहुँच जाते हैं और उसके बाद मेडल बहाने से वहां पर उन्हें रोक देते हैं। अब यही नहीं, जब मेडल बहाने से रोक दिया गया, बीच में राकेश टिकैत आ गए, उन्होंने पहलवानों को समझा बुझा लिया। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये पूरा सियासी नाटक राकेश टिकैत के इशारों पर हो रहा है और राकेश टिकैत ही कसूरवार हैं जो ये करवा रहे हैं। राकेश टिकैत ही कसूरवार है और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत के कारण ही पहलवान लगातार धरने के दिन को बढ़ा रहे हैं। पहलवानों में जो आरोप लगाया है ब्रजभूषण, WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी की तरफ से ये है। और देखिए कहा जा रहा है कि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पुलिस ने भी कह दिया कि हमें अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, हम कैसे गिरफ्तारी कर लें। और यही गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो पहलवान सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, ममता बनर्जी ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने किसानों को सपोर्ट करके पहलवानों के समर्थन को पूरे तरीके से दिशा दे दी है। कहा कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे, एक रैली निकालेंगे जहां पर गांधी स्टैचू के पास इन सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, सेज वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी इन कोलकाता। गांधी स्टैचू के पास कोलकाता के अंदर राकेश टिकैत के बातों के बाद, या कह लीजिए किसानों के समर्थन के बाद, पहलवानों के मेडल ना बहाए जाने के बाद ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि हम मेडल मार्च निकालेंगे पहलवानों के सपोर्ट के लिए। तो देखिए पहलवानों के सपोर्ट के लिए ममता बनर्जी तो आई हैं, कहा जा रहा है पहलवान का समर्थन नहीं है। अगर पहलवान ये बीजेपी की तरफ से होते तो ये नहीं कर पाती ऐसा, क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार का विरोध करना है और ये कुछ नहीं 24 के चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी कर रही हैं। मौके नहीं मिल पा रहे हैं तो इसी वजह से ममता बनर्जी ने पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए कोलकाता के अंदर रैली निकाली। देखिए लगातार ममता बनर्जी आक्रामक है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहना है कि ये और कुछ नहीं, ये मुद्दे से भटकाने के लिए ममता बनर्जी करना चाह रही हैं ताकि एक बात साबित हो जाए कि ममता बनर्जी को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है और हम पहलवानों को सपोर्ट करेंगे और केंद्र सरकार की इसमें धज्जियां उड़े। लेकिन देखिए केंद्र सरकार की धज्जियों की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अगर गलत काम हुआ है ब्रजभूषण के द्वारा तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तक आरोप साबित नहीं हुए हैं, कैसे किसी को जेल के अंदर आप डाल देंगे। कानून भी हमारा यही कहता है भारत देश का कि जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए किसी को ऐसे अंदर नहीं डाल सकते, वो कहीं ना कहीं उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं कोर्ट की भी। लेकिन आप देखिए इसमें कोर्ट हस्तक्षेप कर चुकी है, कोर्ट पूरी जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही इस पे समाधान मिलता दिखाई देगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि राकेश टिकैत ने क्या ऐलान कर दिया। आज मुजफ्फरनगर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पहलवान किसी जाति के नहीं है, इनकी जाति तिरंगा है। ये देखिए पहलवानों की जाति, उन्होंने बताया कि इनकी जाति तिरंगा है, हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं देश का झंडा लेकर जाते हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश में लड़ेंगे ये लड़ाई। राकेश टिकैत ने आज का खाप पंचायत के दौरान, नगर में खाप पंचायतों का ये आयोजन हुआ है और ये सौरम गांव में हुआ था जहां पर खाप महापंचायत राकेश टिकैत की अध्यक्षता में बुलाई गई है। इसमें पहलवान की ओर से जारी विरोध के मुद्दे पर चर्चा हुई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब से खाप और किसान नेता शामिल हो चुके हैं। तो पूरी तैयारी यहां देखिए पहलवानों की ओर से, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि हमारे पास सबूत है। लेकिन देखिए लगातार पहलवानों के सबूतों पर कुछ ना कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं, मतलब सबूत सच्चे नहीं हैं। दर्शकों आप भी देखिए, आप भी अगर खबर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बातें। पहलवानों ने जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खोखलापन नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे और गहरे संबंधी सबूत हमें मिल जाए ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल हो सकती है और जेल होना भी चाहिए अगर उन्होंने गलत काम किया है। अगर गलत काम नहीं किया है, अगर ये आरोप बेबुनियाद है
तो हम भी यही सोचेंगे, जनता भी यही सोच रही है कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि कड़ी कार्रवाई पहलवानों के खिलाफ ही होनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से आरोप को लगाया है। आगे मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत ने आज भी महाऐलान कर दिया। कल राकेश टिकैत पहुंचे थे, मेडल को बहाने से इन्होंने ही रोका, और आज भी महाऐलान, हम तिरंगों को झुकने नहीं देंगे और हम जाएंगे राष्ट्रपति से मिलेंगे, केंद्र सरकार से मिलेंगे और हम नहीं झुकेंगे। पहलवानों की कोई जाति नहीं है, इनकी जाति है तिरंगा। तो देखिए, ये नया शगुफा राकेश टिकैत ने छोड़ दिया आज एक बार फिर से, और ये खाप पंचायत में हर जिले के, हर राज्य के किसान नेता पहुंचे हैं, पहलवान पहुंचे, और कहा जा रहा है ममता बनर्जी भी उधर कैंडल मार्च निकाल रही हैं। तो देखिए, ये पूरी तरीके से एक साजिश की बू इसमें दर्शकों इसलिए आ रही है, मैं इसलिए साजिश कहूंगी, क्योंकि देखिए यहां पर पहलवानों का समर्थन तो नहीं लेकिन केंद्र सरकार का विरोध नजर आ रहा है। राष्ट्र विरोधी नारे लगने पर ममता बनर्जी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? राष्ट्र विरोधी जब नारे लगे तो ममता बनर्जी ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि ये राष्ट्र विरोधी नारे नहीं लगाने चाहिए, आप अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, पहलवान नीलामी के लिए रख दे मेडल, ये कहा राकेश टिकैत ने। मैंने पहलवानों से कहा है कि अपने मेडल गंगा में विसर्जित मत करना, उन्हें नीलामी के लिए रख दो। देखिए कितने बड़े ये संदेश वाहक हैं और ये कितना ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए इनके सारे निर्देश के कारण पहलवान कहीं ना कहीं धरने को अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आगे आएगी और आपसे नीलामी रोकने के लिए कहेगी। मतलब मेडल, ये जो सरकार के द्वारा मेडल मिला है पहलवानों को देश का नाम ऊंचा करने के लिए, इसके तहत राकेश टिकैत ने ये बात कही। किसान और खाप पहलवानों को समर्थन क्यों दे रहे, ये भी बात आ गई। इस सवाल पर टिकैत ने कहा, परिवार बड़ा हो तो अच्छा हो। देखिए, जब कुछ पत्रकारों ने क्वेश्चंस पूछा कि पहलवानों को आप समर्थन क्यों दे रहे, किसान तो दे रहे, खाप पंचायत क्यों दे रही है, इसमें कहा कि परिवार बड़ा हो तो अच्छा है। मतलब देखिए, ये परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, देश विरोधी नारे लगवा रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहलवान बेकसूर हैं। तो देखने वाली बात होगी, देखिए पहलवान बेकसूर है या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह बेकसूर हैं जिन पर ये गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं बेबुनियादे। इसके साथ ही कल हरिद्वार में ये नाटक चला, हरिद्वार में देखा गया कि किसान महापंचायत के नेता राकेश टिकैत पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मेडल बहाने से रोक देते हैं, ये तो अच्छी बात थी। देखिए, मेडल बहाने को लेकर कहा जा रहा था ये बहुत गलत करतूत है, पहलवानों को ऐसे देश के नाम पर ये मेडल नहीं बहाने चाहिए थे। तो देखिए, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं राकेश टिकैत, ममता बनर्जी। देखने वाली बात होगी कब ये आरोप जो है वो सिद्ध होते हैं तो जेल में होने चाहिए ब्रजभूषण, और नहीं होते हैं तो पहलवानों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या लगता है, ममता बनर्जी जो कैंडल मार्च कर रही हैं, इनके पास कोई अलग मुद्दे के तहत और कोई काम इन्हें करना चाहिए या फिर पहलवानों के सपोर्ट में केंद्र सरकार पर आरोप लगाना चाहिए? बहुत शुक्रिया।